कुमार तुम? अच्छा हुआ तुम आ गए गायत्री, तुम्हारा इंतजार कर रहा है, तुमसे मिलना चाहता है। मुझे भी तुमसे मिलना था कुमार। शीतल कैसी है? कैसी हो सकती है एक माँ अपनी बच्ची से बिछड़ कर? कौन से कुमार, प्लीज देखो ये नाटक बंद करो। ना ही शीतल एक माँ है और ना ही वो पिछड़ी अपने बच्चे से। तो फिर वो पागल क्यों है? पागल? पागल हो गया। आई होप तुम तो विश्वास करोगी मेरा, क्योंकि अभी नहीं कर रहे। इतनी नफरत जो करता है शीतल से। और तो मैं, मेरे लिए तो शीतल तुम्हारी पत्नी है कुमार, क्योंकि तुम वो जिसने मुझे अपने पति से मिलाया है। तो क्या इस एहसान का बदला तुम मेरी बेटी को इसके हवाले करके चुकाना चाहती हो? ये करना तो मेरे लिए नामुमकिन है। अब कर दो मुझ पे एहसान, ले जाने दो मुझे तृप्ति को अपनी माँ के पास। शायद तुम भूल रहे हो कुमार, तृप्ति उसकी माँ के पास ही है। हाँ, अपने पति की बेटी की माँ ही तो हूँ मैं कुमार। कितनी आसानी से कह दिया तुमने, क्योंकि तुमने शीतल की हालत नहीं देखी। एक बार जरा चलो मेरे साथ, देखो उसे, फिर तुम्हारा जो भी फैसला होगा मंजूर होगा। मुझे फैसला मुझे नहीं, अभय को करना है। मेरा मतलब बदलना है। तुम्हें जाना ना गायत्री, तो शौक से जाओ, लेकिन तृप्ति और मैं नहीं चलेंगे, क्योंकि हमें मुफ्त की परफॉर्मेंस देखने का कोई शौक नहीं। चलें गायत्री? हाँ चलो, इतना तो मैं तुम्हारे लिए कर ही सकती हूँ। जान लेंगे इस शीतल की सच्चाई, देख लेंगे उसका नाटक। काजल, देखो ना क्या हो गया तृप्ति को, देखो। मैं माँ हूँ ना, माँ झट से पहचान लेती है, इसे जरूर कुछ हुआ है। ये कुछ बोलती क्यों नहीं? कहीं ये मुझसे नाराज तो नहीं? नहीं नहीं शीतल दी, ये भला तुमसे क्यों नाराज होने लगी? तुम इसे इतना प्यार जो करती हो ना, तो फिर ये मुझसे क्यों नहीं बोलती? ये पता है, ये दूध भी नहीं पी रही है। क्या खुशी भी ऐसा करती है? खुशी? नहीं नहीं शीतल, कुमार तुमको किसी से मिलवाने के लिए लाया है। उसे बोलो जो भी है उसे यहीं लाए, मैं तृप्ति को छोड़ के नहीं जा सकती। देखो मैं उसके पास बैठती हूँ ना। नहीं, कहीं अभय आ गया लेने तो। मैं तृप्ति को साथ लेकर चलती हूँ। चल, चल। कौन आया है कुमार? तुम खुद ही देख लो।